गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग डिजिट। हमें ये जो मिसिंग डिजिट है उसको फिल करना है। जैसे अब 9 और 9 कितना हो गया, 9 9 18, तो 18 का क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 1 तो हमारा कैरी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे कि यहाँ 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 9 18 19, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग, हाँ तो हम लोगों का ये वाला हो गया 8 में 1 बचा। अब 1 जो बचा है हमारा यहाँ पे, तो अब इसमें हम ऐसा क्या प्लस करेंगे कि यहाँ पे, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। देखो कैसे 9 और ये 1, 10 हो गया। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 जो यहाँ था कैरी वाला 1, ये हमारा 10 हो गया, 10 का 0। अब यहाँ फिर 1 बचा, अब यहाँ पे 0 कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। देखो 6 3 9 और ये 1 10, 10 का 0 1 कैरी फिर हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 6, कैसे 6 7 8 और ये 1 9। ठीक है, इस तरीके से तुम लोगों को करना है एकदम, मतलब जैसे कि उसमें नंबर लिखना है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, ये वाला 2 और 5 7 हो गया। ठीक, अब 6 में ऐसा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि 1 आएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। ठीक है, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 का 1 1 कैरी, अब फिर 1 कैरी बचा। अब 9 9 में यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। देखो 9 10 11 और 1 12 का 2 1 कैरी फिर बच गया, फिर 4 4 8 और 1 9। ठीक, अब यहाँ पे 3 कैसे आया, तो 3 जो है हमारा यहाँ पर, यहाँ 0 लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 का 3 रह जाएगा। अब यहाँ 9 कैसे आया, 5। ठीक है, समझ में आया, ऐसे ही तुम लोगों को सारा करना है इस तरीके से। मिसिंग लेटर, मिसिंग नंबर, बीच में क्या मिस है नंबर का, तो तुम्हें प्लस करके उससे पता चल जाएगा, उससे लिख लेना। और हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं माइनस करके। आप देखो जैसे यहाँ पे क्या बीच में नंबर, क्या बीच में नंबर हमें फिल करना है, तो 6 में से 1 गया, 5 बचा माइनस की, तो पता चल गया। अब 9 यहाँ पे क्या हम लोग नंबर लिखें, तो यहाँ पे हम लोग नंबर तो ऐसे ही पता चल गया, ये वाले बीच, ये वाला नंबर इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, और ये वाला तो हमें प्लस करके पता चल जाएगा। ठीक, ये वाला भी नंबर देखो माइनस करके पता चल जाएगा, 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। ठीक है,